वॉइस देख लीजिएगा सर हेलो स्ट्रेंड्स गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आप सभी लोगों को जय हिंद जय श्री राम राधे राधे आरकेडी डी राज जय हिंद पवन जय हिंद बेटा विवेक कुमार राधे राधे तो आज काफी दिनों बाद क्लासेज हो रही हैं आपकी एंड दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि अभी इन रिसेंट में भी विद इन नेक्स्ट टू मंथ ठीक है ठीक है अगले दो महीने के अंदर विद इन टू मंथ करूं तो आपका एयरफोर्स का भी एग्जाम होने वाला है और वहीं अगर मैं नेवी की बात करूं तो नेवी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और अभी मैं बात करूं ना आपसे तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि नेवी के एग्जाम काफी पोस्टपोन होगा नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा ठीक है नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे ना तो ज्वाइनिंग डेट अगस्त 2021 दे रखी है मतलब ये कि अभी मई चल रहा है है अगस्त 2021 डेट दे रखी है, तो इसका मतलब ये कि अगर पेंडेमिक थोड़ा बहुत भी कंट्रोल में आया तो विद इन जून और जुलाई लास्ट फिफ्टींथ ऑफ जुलाई तक आपका नेवी का एग्जाम हो जाएगा तो तैयारी अभी से रखें ठीक है हाँ, जस्ट कुछ आपका टेक्निकल इश्यूज की वजह से पहली क्लास क्लोज हो गई थी ठीक है ना लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ दोबारा से आप नेवी के लिए बहुत ज्यादा इंतजार ना करें कि अभी हमारे पास टाइम है कर लेंगे तैयारी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है राइट नाउ फोकस मोर एग्जाम जस्ट अभी आपका होने वाला है अगस्त में ज्वाइनिंग है ठीक है हाँ हो सकता है कि मे भी वो थोड़ा डिले हो जाए बट नॉट मोर देन वन और टू मंथ इससे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि अकेडमी ज्यादा खाली हो नहीं सकती ठीक है तो बिल्कुल उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी एनडीए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही रहेगा हमेशा की तरह थ्री से थ्री मैक्सिमम है इससे ज्यादा जाएगा नहीं नेक्स्ट वैकेंसी अभी रिसेंटली विद विदिन जून और जुलाई आपको हो सकता है कि अभी वैकेंसी देखने को मिला है बाकी का बेटा चल रहा है तो कुछ श्योरिटी नहीं कही जा सकती लेकिन हाँ हमेशा की तरह जून जुलाई के आसपास में आपको नेक्स्ट वैकेंसी नेवी की फिर से मिल जाएंगी और उस समय ये टेन थाउजेंड वाला सिस्टम नहीं रहेगा ये इसी बार की परसेंटेज बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा ठीक है उसमें लिखा हुआ भी है नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा एडमिट हाँ, कार्ड आ सकते हैं इफ यू हैव अ गुड परसेंटेज बाकी का तो श्योरिटी है नहीं बेटा क्योंकि दस हजार बच्चों को बुलाया है तो ऑब्वियसली परसेंटेज बेसिस पर अगर बच्चे इस तरह के हैं उनके पास कि 85 से उन्हें 85 से ऊपर वाले दस हजार बच्चे मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ एटी जाएगी लेकिन होप सो कि हाँ एटी तक आपका कट ऑफ लग जाएगा नेवी का बाकी देखते हैं लेकिन चलो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखो ये जो स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है ना गेम्स एंड स्पोर्ट्स या तो लड़ती है या खेलती है अगर आप एकेडमीज पहुंचेंगे तो एकेडमीज में भी आपको एक अपना अपना स्पोर्ट्स चूज करना पड़ेगा अपना अपना एक स्पोर्ट्स चूज करेंगे और फिर उसमें भाई आप उस स्पोर्ट्स में क्या करेंगे एक्सेल हासिल करेंगे उसे खेलेंगे ऑब्वियसली तो भाई पर्सन ये जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट ईयर से भी नेवी के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो नेवी के एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन यूजली गए केवल स्पोर्ट्स सेक्शन से और एयर फोर्स में चाहे आप एयरफोर्स वाई ग्रुप ले लो चाहे एफकेट एग्जाम ले लो इवन एनडीए इवन सी हर एग्जाम में गेम्स और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं और स्टेटिक पोर्शन है स्टैटिक पोर्शन है भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला है बस आपने क्या करना पड़ेगा इसे रटना पड़ेगा यू हैव टू लर्न और याद करिए इसे ऐसा इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि इस पर ज्यादा फोकस नहीं करें आप इसे पढ़ें बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसी वीडियो में आप सब कुछ कवर कर लेंगे हर एक चीज इस वीडियो में कवर हो जाएगी इससे ज्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अगर आपने पढ़ना है ना तो केवल एक चीज और वो क्या पढ़ना है आपको वो है भाई करंट अफेयर्स द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स बस एक ये चीज है जो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि भाई करंट अफेयर तो ऐसा है ना आफ्टर एवरी सिक्स मंथ ही आपका चेंज होता है दैट इज वेरी डायनामिक ठीक है ये स्टैटिक पोर्शन है इसे चलो भाई कर, करते हैं आप ठीक है लेट सी तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स और द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वन टीम कि मतलब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स को देखें तो अलग अलग स्पोर्ट्स में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले देखें कि सबसे पहले हमारे पास बैडमिंटन कि अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं अभी बैडमिंटन तो भाई बहुत कॉमन खेल है और बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन ना भाई स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट भी है किस देश का राष्ट्र खेल है बैडमिंटन भाई ये है आपका इंडोनेशिया का ठीक है तो बहुत ही फेमस गेम है तो बैडमिंटन सिंगल की बात करें तो एक प्लेयर होता है और डबल्स में कितने प्लेयर होते हैं भाई दो प्लेयर होते हैं किसमें बैडमिंटन बैडमिंटन का नहीं पूछेगा आपसे बताऊंगा मैं आपसे क्या पूछ सकता है एग्जाम डायरेक्टली बताऊंगा आपसे क्या पूछेगा वही दूसरी अगर हम बात करें बेसबॉल तो बेस की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में बेसबॉल की में नौ खिलाड़ी होते हैं और बेस किस देश का राष्ट्र खेल है इट इज ऑफ यूएसए याद रखिएगा कि बे जो बेसबॉल है ये अमेरिका का राष्ट्र खेल है और बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई नौ खिलाड़ी होते हैं धीरज सिंह जय हिंद वहीं अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं पांच भाई ये बहुत पूछता है इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं क्योंकि पता है बैडमिंटन सबको पता होगा यूजुअली एवरी कैंडेड स्नोज की भाई, आपके बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होंगे तो यहां से ज्यादा नहीं पूछता बट बास्केटबॉल में जरूर पूछ लेता है कि बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं पांच हर चीज याद नहीं करने ये, क्ला, ये इस क्लास में आप समझाएंगे हर चीज पर रट्टा मत लगाइएगा जो इंपॉर्टेंट है इस पर ज्यादा फोकस कीजिए ठीक है वहीं अगर मैं बात करूं ब्लेअर्स और स्नूकर इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं है एक, एक ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा बॉक्सिंग में भाई एक चेस की अगर हम बात करें तो चेस में कितने खिलाड़ी एक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहीं अगर हम बात करें क्रिकेट की तो भाई क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं इलेवन और क्रॉकेट की अगर हम बात करें तो क्रॉकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं तीन और छह और एक्चुअली यहां पे कोई फिक्स है ही नहीं इट इज नॉट फिक्स ये भी वैल्यू चेंज हो सकते हैं क्रॉकेट की अगर हम बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स नहीं है और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट भाई किन किन देशों का राष्ट्र खेल है तो ये आपका इंग्लैंड का है और दूसरा भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट है ये क्या है आपका नेशनल गेम है और वहीं अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई इलेवन होते हैं फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ग्यारह और फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है फ्रांस का फ्रांस में बहुत ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है और वहीं अगर हम बात करें गोल्फ की तो भाई गोल्फ में नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स नहीं होते गोल्फ में नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स नहीं होते बेटा रट रटना पड़ेगा सोनू गौतम आपने नेवी और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्टैटिक पोर्शन याद करना पड़ेगा तभी तो स्टैटिक करा रहे हैं हम ठीक है तो नंबर ऑफ प्लेयर में याद करने वाली चीज क्या है एक तो मैंने नेशनल गेम आपको यहां पर याद करा दिए और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछेगा वो बास्केटबॉल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ, पर चांसेस हैं आपका कॉलेटर आ जाए चांसेस हैं नॉट श्योर sure. आगे बढ़ते हैं देखें हॉकी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ग्यारह और वहीं हॉकी किन देशों का राष्ट्र खेल है भाई एक तो इंडिया का वैसे तो ये कहा जाता है कि भारत का कोई नेशनल गेम है नहीं बट अगर हम मोस्टली बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको इंडिया का नेशनल गेम हॉकी मिलेगा और वहीं इसके साथ साथ पाकिस्तान हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भाई इसका भी राष्ट्र खेल हॉकी है इसने सब कुछ हमारे जैसे ही चुरा लिया वहीं कबड्डी की बात करें तो कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी है? हैं कबड्डी की एक टीम में होते हैं भाई सात खिलाड़ी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ सकता है आपसे क्योंकि कबड्डी आजकल काफी ज्यादा कॉमन रहा है तो पूछ सकता है कि कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं सात और कबड्डी किस देश का राष्ट्र खेल है ठीक है ये भाई आपका है बांग्लादेश का याद रखिएगा बांग्लादेश का जो नेशनल गेम है वो कौन सा है कबड्डी खो खो की बात करें ये नहीं पूछने वाला आपसे वैसे लेकिन याद रखिएगा कि हाँ भाई खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं नौ खिलाड़ी होते हैं लेक्रोस में कितने होते हैं दस नेटबॉल में सात पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं चार भाई ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ प्लेयर्स के हिसाब से तो अभी तक मैंने केवल एक तो बास्केटबॉल इंपॉर्टेंट बताया दूसरा कबड्डी और एक पोलो यहां नंबर ऑफ प्लेयर्स इनके याद रखिएगा ठीक है हाँ भाई कबड्डी नस नस में है लेकिन बांग्लादेश ने राष्ट्रीय खेल बनाया हुआ है जीतते हम हमेशा वहीं आगे बढ़े रग्बी फुटबॉल रग्बी फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं पंद्रह टेबल टेनिस में वन और टू वही सिंगल और डबल पे डिपेंड करता है टेनिस में भी वन और टू टेबल टेनिस टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है भाई टेबल टेनिस है चाइना का अभी वो करेंगे भी क्या चाइनीज लोग टेबल टेनिस ही खेल सकते हैं

और वही वॉलीबॉल किन देश का राष्ट्र खेल है ये नेपाल का भी है और इसके साथ साथ भाई श्रीलंका का भी अभी आप सोचेंगे कि नेपाल का नहीं है लेकिन नेपाल का 2017 से आपका नेशनल गेम बन चुका है तो भाई ये आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स और नेशनल गेम्स हमने कवर कर लिए सबके मत याद करिएगा लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए चार पांच गेम भाई उनके तो जरूर याद रखे हाँ चार फीट के होते हैं ठीक है तो भाई ये आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से सीधे सीधे एक क्वेश्चन बन सकता है आगे बढ़ते हैं लो भाई अगला टॉपिक आ गया स्पोर्ट्स और टर्म्स स्पोर्ट्स और टर्म्स यहां से एयरफोर्स वाई ग्रुप में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है बहुत कॉमन है यहां से एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट बहुत जल्दी फटाफट स्क्रीन शॉट ले लें यहां से क्वेश्चन आता है यहां सीधे सीधे टर्म्स ये हिंदी इंग्लिश में सेम है टर्म्स मतलब आप सीधे सीधे शब्द को समझे मतलब किस खेल में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे सीधे क्वेश्चन आ गया कि आपका ये जो पंच शब्द है ये किस खेल से संबंधित है क्वेश्चन आएगा द वर्ड पंच इज एसोसिएटेड विद विच गेम और स्पोर्ट इंग्लिश में आएगा द वर्ड गेम द वर्ड पंच इज एसोसिएटेड विद विच गेम और स्पोर्ट कि पंच शब्द किस खेल से संबंधित है तो किस खेल से संबंधित है भाई बॉक्सिंग बॉक्सिंग पंच 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 करते है ना? Punch करते हैं हैं ना तो किससे है boxing से बाई है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो देखेंगे बैडमिंटन में शटल कॉक सर्विस कोर्ट डबल फॉल्ट फोर हैंड बैकहैंड स्मैश हिट ड्रॉप नेट लोव ये सारे के सारे शब्द किस खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं भाई बैडमिंटन में किए जाते हैं ये तो सीधे रटना पड़ेगा यार इसका कोई ट्रिक नहीं है कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता इनका और जो शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं ना आप एक बार उन्हें पढ़ के जरूर देखें अंदाजा होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें कुछ नहीं होता वहां से ठीक है वहीं अगर हम बात करें बेसबॉल तो बेसबॉल में कौन कौन से शब्द हैं पिंचिंग होम रन बेस रनर परफेक्ट गेम थ्रो स्ट्राइक पुट आउट एक्सेट्रा वर्ड्स तो बहुत सारे हैं ना जो इस्तेमाल होते हैं वही बास्केटबॉल में फ्री थ्रो कॉमन फॉल अंडर हेड टेक्निकल फॉल ओवर हेड एक्सेट्रा मैनी वर्ड्स ठीक है वही ब्रिज की अगर हम बात करें मास्टर पॉइंट ग्रैंड स्लैम परफेक्ट डील्स डमे ट्रम्प एक्सेट्रा इसे पॉइंट कर लीजिएगा देख लीजिएगा ये डमी बाकी तो कॉमन वर्ड्स होते हैं कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे डमी डमी किस से संबंधित है ये आपका ब्रिज से संबंधित है आगे ब्लियड और स्नूकर की बात करें तो पल क्यू हिट ऑब्जेक्ट बोल स्कोरिंग कजन ब्लियड ब्रेक शॉट एक्सेट्रा बॉक्सिंग में नॉकआउट रिंग स्टॉपेज पंच राउंड अपरकट किडनी पंच टाइमिंग फुटवर्क एक्सेट्रा वहीं चेस की अगर हम बात करें ई एल ओ रेटिंग ग्रांड मास्टर इंटरनेशनल मास्टर गैम्बिट गैम्बिट पे टिक कर लीजिएगा ये वो है जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कॉमनली आते भी हुए जिन पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जिसे सर्किल कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है यार बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया दीपू अगर आपके 89.8 परसेंट है तो हाँ बिल्कुल बेटा नेफी का आपका एडमिट कार्ड 99 परसेंट चांसेस है कि आ जाएगा वहीं आगे देखें तो क्रिकेट में फॉलो ऑन हिट विकेट गुगली हुक ग्लैंस पुल फॉलो थ्रो सीमर स्लिप स्क्वायर लेग रनर कवर यॉर्कर गुगली भाई ये तो आप देख लेंगे यार इसमें कुछ है नहीं इसमें कुछ है नहीं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो वही फुटबॉल में किक गोल हेड पेनल्टी किंग ड्रिबल पेनल्टी किक ड्रिबल याद रखिएगा ड्रिबल किस में इस्तेमाल किया जाता है फुटबॉल में वहीं अगर हम रिबाउंड की बात करें तो रिबाउंड शब्द भी किस में इस्तेमाल किया जाता है फुटबॉल में डिफेंडर ये ज्यादा नहीं आएगा वहीं जिम्नास्टिक की बात करें तो बार बार हॉरिजॉन्टल फ्लोर एक्सरसाइज पैरलोर वॉर मतलब ये कि जो बार आती है ना बार किस में आ रहा है आप ये देखेंगे जो बार शब्द है वो हमेशा किस खेल में ज्यादातर पूछा जा रहा है जिम्नास्टिक में तो इस तरीके से आप रट सकते हैं हाँ क्रिकेट का तो भाई सब पता होगा यार हॉकी की बात करें तो बोली याद रखिएगा जो वर्ड है बोली ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट में शॉर्ट कॉर्नर गोल पेनल्टी स्ट्रोक याद रखेगा किसमें इस्तेमाल किया जाता है हॉकी में स्कूप शब्द किसमें इस्तेमाल किया जाता है भाई स्कूप क्रिकेट में भी इस्तेमाल किया जाता है हॉकी में भी इस्तेमाल किया जाता है गर्वित राम राम बेटा वही स्ट्रिक स्ट्राइकिंग सर्कल अंडर कटिंग एक्सेट्रा हॉर्स राइडिंग में हॉर्स राइडिंग का ज्यादा पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आप देख लो थ्री डे थ्री डे इवेंट ड्रेसेस शो जंपिंग ड्रेसिस जूडो में कोकोआ याद रखिएगा कोकोआ शब्द कोकोआ शब्द किस खेल से संबंधित है भाई ये आपका जूडो से संबंधित है व्हाइट ब्लू ग्रीन बेल्ट एक्सेट्रा वहीं आगे हम बात करें पोलो की तो पोलो वंकर मॉलेट याद रखिएगा ये पूछ सकता है ये जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना इन्हें पूछता है कि जो मैलेट शब्द है ये मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है तो ये किससे संबंधित है पोलो से स्विमिंग की बात करें तो फ्री स्टाइल बैक स्ट्रोक स्ट्रोक बटरफ्लाई लेन यह ले पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एयर फोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेन शब्द किस खेल से संबंधित है हाँ भाई कबड्डी से आ तो कुछ भी सकता है लेकिन ये वो है जो बहुत कॉमन है अभी टर्म्स तो क्रिकेट में इतने हैं कि पूरे यहां पर पूरी स्क्रीन पे केवल क्रिकेट के दिखाएंगे लेकिन सब आप याद थोड़ी ना कर सकते चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई अब आगे आपके ट्रॉफीज ट्रॉफीज बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब गेम्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है आपके ट्रॉफीज और कप्स यहां से क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने देखा नंबर ऑफ प्लेयर्स फिर आपने देखा टर्म्स अब आ गया आपका गेम्स में ट्रॉफीज और कप्स इस वीडियो में सब कुछ है कहीं चार चार वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गेम्स और स्पोर्ट्स सब कवर हो जाएगा सब कुछ कवर हो जाएगा और डिफेंस एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं बहुत हेल्पफुल है ये बहुत हेल्पफुल है कि इवन किसी भी एग्जाम को दे लो आप एनडीए में एनडीए के एग्जाम दे लो सी का के एग्जाम दे लो कहीं ना कहीं से कुछ तो जरूर मिल जाता है बस इसके साथ अगर कुछ पढ़ना है तो करंट अफेयर इनसे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ लेना काम हो जाएगा अगर क्वेश्चन आएंगे तो श्योरली हो जाएंगे तो देखेंगे हॉकी से अभी हॉकी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज और कप्स हैं बहुत सारे लेकिन प्रॉब्लम है कि सबको नहीं पढ़ सकते इस वीडियो में ट्रिक्स को नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ कवर करना है और ट्रिक्स से ये चीज याद भी नहीं होती है स्पोर्ट सेक्शन कभी ट्रिक्स से याद नहीं होगा चाहे कुछ भी आप ट्रिक से याद कर लें तो देखेंगे आगा खान कप महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप ध्यानचंद ट्रॉफी भाई ध्यानचंद को कौन नहीं जानता किस खेल से संबंधित है ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है तो कोई भी बता सकता है ध्यानचंद ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी सिंधिया गोल्ड कप मुरुगुप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप ये सारे के सारे जो कप है ना अभी नेहरू को मत समझिएगा नेहरू क्रिकेट से हॉकी से संबंधित नहीं थे तो ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है सीधे सीधे याद रख लीजिएगा सीधे सीधे याद रखना है आगा खान कप महाराजा रंजीत सिंह ध्यानचंद नेहरू सिंधिया मुरुगप्पा और वेलिंगटन नाम भी याद रखेंगे चलेगा ऐसे याद रख लो आगा खान महाराजा रंजीत ध्यानचंद नेहरू सिंधिया मुरुगप्पा और वेलिंगटन ये सारे के सारे ट्रॉफी किससे संबंधित है ये सब के सब हॉकी से संबंधित है सीधे क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ घुमा फिरा के पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है किस खेल से रिलेटेड है भैया हॉकी से रिलेटेड है खाता आगे बढ़ते हैं वहीं आप देखेंगे फुटबॉल तो अगर हम फुटबॉल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल से कौन कौन से स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज क्या रिलेटेड है जैसे मर्डे का कप कोलम्बो कप डोरेंट कप की अगर हम बात करें डोरेंट शब्द आपने पहले भी सुना होगा क्या है भाई डोरंट अगर हम डोरेंट लाइन की बात करते हैं तो जो वर्ड है ना डोरेंट लाइन ये आपकी सीमा रेखा भी है किस किस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की या फिर अगर हम बात करें इंडिया और अफगानिस्तान भी या फिर अगर हम बात करें इंडिया और अफगानिस्तान की जो सीमा है ना जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं डुरंट लाइन बोलते हैं और वैसे भी डुरंट शब्द किससे संबंधित है फुटबॉल से वहीं रोबर्ट्स कप किससे संबंधित है फुटबॉल से कलिंग शब्द किससे संबंधित है फुटबॉल से ठीक है वहीं संतोष ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है फुटबॉल से भाई इंडिया को ना ये नेशनल ट्रॉफी है इंडिया की मतलब नेशनल जो इंडिया में यूजुअली खेली जाती है कौन सी संतोष ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी अब भैया फुटबॉल में संतोष तो करना ही पड़ेगा ना हमारे पास फुटबॉल में कुछ नहीं है हम बस क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हैं तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है फुटबॉल से और सुब्रत तो मुखर्जी कप किससे संबंधित है भी फुटबॉल फुटबॉल से और ट्रॉफी अगेन ऑल आर आर द ट्रॉफीज रिलेटेड टू चलो आगे बढ़ते हैं भाई क्रिकेट क्रिकेट का तो पता होगा आपको क्रिकेट का तो आपको पता होगा हमारे देश में इसी खेल पे तो वाइजिंग चलती है जो कुछ है क्रिकेट ही है और तो ज्यादा पे फोकस करना है नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी सीके नायडू ये क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन नेवी के एग्जाम में आया हुआ है कि सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है तो इट इज रिलेटेड टू च इज स्पोर्ट इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट देवदर ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी आईसीसी वर्ल्ड कप ईरानी ट्रॉफी जवाहरलाल नेहरू कप रानी झांसी ट्रॉफी तो रानी झांसी ट्रॉफी है ये यूजली किसके बीच में खेली जाती है ये महिलाओं के जो महिलाएं आपके क्रिकेट खेलती हैं उनका आपका ये ट्रॉफी है उन, मतलब उनकी टीम जो महिलाओं की टीम्स होती है अलग अलग देशों की उनके बीच में जो ट्रॉफी खेली जाती है उसका नाम है ये रानी झांसी ये यूजअली आपने सुनानी होगा क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट से रिलेटेड है ओके okay, वहीं रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी ये सारी की सारी ट्रॉफी किससे संबंधित है क्रिकेट से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट सी के नायडू दूसरा आपका विजय हजारे ट्रॉफी ये पूछ लेता है बाकी तो कॉमन होती है ना सबको पता ही होती है आगे बढ़ते हैं देखें टेबल टेनिस टेबल टेनिस बताया था ना आपको चाइना का भाई नेशनल गेम है चाइना का नेशनल गेम है टेबल टेनिस तो अगर हम बात करें चाइना का तो बैलक कप जयलक्ष्मी कप राजकुमारी चैलेंज कप और आपका ट्रेवेंकोर कप ये सारे के सारे यूजुअली नेशनल है ये नेशनल है हमारे तो ये किससे संबंधित है ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है हाँ, पता है आपको विनर आगे देखते हैं भाई बैडमिंटन तो बैडमिंटन में ये इंपॉर्टेंट है ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है हॉकी के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो बैडमिंटन पूछ लेता है तो वरना आपका अमृत दीवान कप 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 नारंग कप, उबर कप और यूनैक्स ये सारे के सारे कप किससे संबंधित है ये सारे के सारे कप भाई आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है स्क्रीनशॉट शॉट लेते रहिएगा बहुत हेल्पफुल है आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी डोंट वरी आपको पीडीएफ भी मिलेगी लेकिन थोड़ा मोबाइल में स्क्रीनशॉट रहता, रहता है आप मोबाइल चलाते रहते हैं तो थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा ठीक है हाँ टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना चैनल चैनल है ना कटारा डिफेंस अकेडमी का भाई उसे सब्सक्राइब करें जिन लोग जो लोगों लो ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वहां पर आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं सबका पीडीएफ मिलेगा और जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये आपके एग्जाम में तो हेल्पफुल रहने ही वाला है बहुत हेल्पफुल रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आगे बढ़ते हैं टुडे इज नॉट माय बर्थडे यार पढ़ाई पे फोकस करें सभी लोग बट थैंक यू फॉर द वेल विशेष जितने लोगों ने मतलब मुझे विश किया बर्थडे तो नहीं है लेकिन हाँ विश आपने कर दिया पोलो की अगर हम बात करें तो इजरा कप गोल्ड कप किंग्स कप मोहन कप और विंचेस्टर कप ये पांचों के पांचों कप किससे संबंधित है ये इट इज रिलेटेड टू भाई आपका पोलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चेस नाइडू ट्रॉफी खितान ट्रॉफी लिमका ट्रॉफी ये तीनों की तीनों ट्रॉफी किससे रिलेटेड है चेस से और वहीं आपका सेंटिनियल कप इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और आपका शिवान्थी गोल्ड कप ये तीनों किससे रिलेटेड है ये तीनों है भाई आपका बॉलीवुड से सॉरी ये तीनों के कि तीनों किससे रिलेटेड है भाई आपका वॉलीबॉल आगे देखते हैं टेनिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदित भाई अभी तो फिलहाल बेटा आप अपने रिकमेंडेशन की तैयारी हैं ई वॉन्ट टू सी यू इन आ यूनिफॉर्म भाई ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कंट्री को सर्व करें तो मेहनत कीजिए मेहनत कीजिए अगले दो महीने में हाँ हां तो बहुत कुछ गया अभी देखेंगे अभी आने वाला है आगे अजय शर्मा डोंट वरी देखो बच्चों अगले दो महीने के अंदर विद इन नेक्स्ट टू मंथ अगले दो महीने के अंदर आपका एयरफोर्स का भी एग्जाम हो गया होगा और नेवी का एग्जाम भी हो गया होगा विद इन नेक्स्ट टू मंथ आपके ये दोनों एग्जाम हो गए होंगे अगले दो महीने में तो हो सकता है देखो नेवी में परसेंटेज वेरी करेगी तो आप में से बहुत सारे बच्चों के पास चांस नहीं है लेकिन एयरफोर्स में तो है आपको पता है एयरफोर्स में कितने बच्चे रिटर्न क्वालीफाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली दस हजार से ग्यारह हजार एयरफोर्ट्स एक्स वाई ग्रुप एग्जाम में दस हजार से ग्यारह हजार बच्चे रिटर्न क्लियर करते हैं कितने में से अप्रोक्सीमेटली तीन से चार लाख में से तो आप ये सोचो तीन चार लाख बच्चों में से दस हजार बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं बहुत अच्छा परसेंटेज है ये अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे ना तो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे विद इन नेक्स्ट टू मंथ आप रिटर्न क्वालिफाई करके कर, कर इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बस अब आपने फिजिकल और क्या क्लियर करना है जीडी क्लियर करना है और ये दो स्टेज क्लियर करते ही, आपको एयरफोर्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता यू विल बी यू विल सर्व योर कंट्री यार इससे ज्यादा चाहिए क्या आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता यू विल गेट द यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होगी आप लोगों के पास बस इस चीज को सोचें हैव अ ड्रीम रात को सपने नहीं देखने दिन में सपने देखने वो भी जगते हुए वो भी किसके सिर्फ और सिर्फ फौज के सपने आप देखें बस आपको खुद को यूनिफॉर्म में देखना है क्या चाहिए इससे ज्यादा और वो भी इतना पास इस समय के पेंडेमिक में आपने देखा कि लोगों की क्या क्या कंडीशन है और ऐसी कंडीशन में आप सीधे सीधे फौज में पहुंच जाओ विद इन नेक्स्ट टू और थ्री मंथ इससे ज्यादा बड़ा प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो इस समय को जितना ज्यादा अच्छे से हो सके यूटिलाइज करो घर पे बैठ के पढ़ो उन सब, उन सब चीजों को यूट्यूब पर नहीं देखना कि आप हर जगह इधर उधर भाग रहे हैं एक मैं बता रहा हूं आपको आप सब जगह हर चैनल पर जुड़े हुए हैं आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन बेटा हैव अ फेथ ऑन अ स्पेसिफिक पोर्शन किसी एक स्पेसिफिक आपका कोर्स पर आप फेत रखें विश्वास रखें उसी को अच्छे से करें एक जगह से आपका सिलेक्शन होगा एक जगह टिककर पढ़ते रहें और बस सपने देखते रहें कि हाँ भाई आगे कुछ महीनों में आप यूनिफॉर्म पहनने वाले हैं आगे कुछ महीनों में देश की सेवा करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है चलो आगे बात करता हूं मैं टेनिस की तो अगर मैं टेनिस की बात करूं ना और जीडी फिजिकल की तो चिंता करनी नहीं है वो तो हो ही जाएगा आगे देखते हैं टेनिस में तो टेनिस में आपका डेविस हैमलेट उसके बाद ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच बिवलीडन और यूएस ये चारों के चारों आपके ये चारों के चारों आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं ये चारों के चारों आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं टेनिस के कौन कौन से ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विवलिंडन और यूएस इन्हें सीधे सीधे याद रखो इन्हें सीधे सीधे याद रखो ए एफ डब्ल्यू, यू और बोले तो एयर फोर्स एयर फोर्स वाले उड़ेंगे कहा उड़ेंगे भैया एयरक्राफ्ट में उड़ेंगे तो ऑब्वियसली चारों के चारों आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को याद रखें सीधे सीधे एयरफोर्स वाले उड़ेंगे और ए फॉर ऑस्ट्रेलियन एफ फॉर फ्रेंच डब्ल्यू फॉर बिवलिडन और यू फॉर यूएस ओपन चारों के चारों टूर्नामेंट हैं और एक साल में ये चारों टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के एक साल में चारों टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो चार हैं आपके पास सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है ये आपका जनवरी फेबर के महीने में हो जाता है साल के शुरुआत के महीने में ये टूर्नामेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम से समझ में आ रहा है ऑस्ट्रेलियन हाँ भाई टच द स्काई विद ग्लोरी नव स्पर्शम दीप्तम मोटो है ना एयरफोर्स का आसमान तो छूना ही है ना और आसमान छूना है तो उड़ेंगे तो है ही नव स्पर्शम दीप्तम भाई एयरफोर्स का मोटो है तो इंडियन एयरफोर्स आपका कब फॉर्म हुई थी इंडियन इंपॉर्टेंट है से सेलिब्रेट करते हैं तो हां भाई फिलहाल यह है कि हमें उड़ना है आसमान टच भी करना है लेकिन तभी तब तब करेंगे जब इन चीजों को याद रखेंगे तो देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फेबर में होता है और कहा होता है ये होता है मेलवर्न में भाई मेलवर्न कहां पर है ऑस्ट्रेलिया में ही तो है तो उसी के नाम से आ गया ऑस्ट्रेलियन ओपन और कैसी पिच पर होता है ये आपका हार्ड पर हार्ड पिच पर होता है और ये आपका 1905 से लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन चलता हुआ आ रहा है 1905 से तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पिच पर होता है यह आपका हार्ड पिच पर होता है वहीं आगे देखें हम कभी एयरफोर्स के बारे में भी पढ़ाएंगे बहुत कुछ बताऊंगा आपको कि एयरफोर्स का स्ट्रक्चर क्या है कौन कौन से हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं कौन कौन से हमारे पास वेपन्स हैं क्या क्या आप लोगों की रैंक होगी कैसे कैसे आप लोगों का प्रमोशन होगा वो सब बताएंगे हाँ रेगुलर क्लास होगी सूरज चिंता नगर है जो भी हमारे साथ बच्चे नए जुड़े हुए हैं ना वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि बस मजाक करते हैं बस ड्रामे चलते हैं बस पढ़ा कंटेंट तो है ही नहीं क्लासेस में कंटेंट नहीं मिलता वहीं हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की तो फ्रेंच ओपन आपका मे के आसपास मे जून के आसपास हो जाता है और फ्रेंच है फ्रांस है तो कहां होता है ये आपका ये होता भाई पेरिस में पेरिस में और ये आपका क्ले मिट्टी पर खेला जाता है ये मिट्टी पर खेला जाने वाला स्पोर्ट है फ्रेंच मतलब किले पर खेला जाता है हार्ड पिच नहीं होती इसकी वहीं अगर हम बात करें की ये आपका 1925 से चल रहा है सन 1925 से ये आपका पेरिस ओपन फ्रेंच ओपन लगातार चल रहा है वहीं अगर हम देखें बिवलेडन की तो बिवलेडन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम याद रख लीजिएगा इससे चीज याद रखनी है सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ना टेनिस का वो कौन सा विवलेंडन है सबसे पुराना है अप्रोक्सीमेटली 1877 के अप्रोक्स से ये खेला जा रहा है प्रत्येक वर्ष तो सबसे पुराना है ये और वहीं अगर हम विवलेंडन की बात करें तो ये आपका अगस्त सितंबर के महीने में खेला जाता है और ये कहां खेला जाता भाई लंडन में और इसकी पिच कैसी होती है ग्रास घास का मैदान होता है जिस पर ये खेला जाता है तो हर किसी के लिए मैदान अलग अलग है आपने देखा पहला हार्ड है दूसरा क्ले और तीसरा कैसा है भाई आपका तीसरा घास के मैदान पर ही खेला जाता है हां एस एस बी और एयरफोर्स की प्रिपरेशन चिंता मत करो अभी आपकी कुछ क्लासेस आएंगी उसमें हम एस एसबी की भी बात करेंगे एस की कंप्लीट प्रिपरेशन पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूं ऑनलाइन आप वीडियोस को देखें आप यूट्यूब पर जितनी वीडियोस देखनी है सबको देख लीजिएगा कहीं भी आपको कंप्लीट कंटेंट अच्छे से नहीं मिलता है आपको बस ऐसा लगेगा आई नॉट चेंज विद योर साइकोलॉजी इन दैट वो जो एस एस बी की किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, नहीं होगी आपकी साइकोलॉजी आपकी मेंटेलिटी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कोचिंग सेंटर्स में या फिर कोई ऐसा टीचर जो अननोन हो वो सबसे पहले आपका साइकोलॉजी के साथ डिस्टरबेंस करता है आपको बस ऐसा होगा कोई बी की क्लासेस से जो मैं कराने वाला हूं कि बस आपको ऐसा फील होगा कि आप एस एक बार फेस कर चुके हैं एक से ज्यादा बार आप फेस कर चुके हैं क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना बाकी का सब परफॉर्म आपको ही करना है आई एम टेलिंग यू भाई क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगे चलो वो तो आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो गया विवलेंडर लास्ट रह गया यूएस ओपन ये ज्यादा आ जाता है इसीलिए थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं मैं इसे वहीं यूएस ओपन की बात करें तो भाई यूएस ओपन कहा होता है ये होता है आपका न्यूयॉर्क में और कैसी पिच पर होता है ये भी भाई आपका हार्ड पिच पर होता है ये आपका नवंबर दिसंबर के टाइम पर लगभग हो जाता है तो यूएस ओपन तो ये चारों के चारों आपके टूर्नामेंट्स हैं सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है विवलेंडन याद रखिएगा ऑर्डर में है ये प्रत्येक साल में मतलब इसी ऑर्डर में चलते हैं तो ये सारे के सारे टूर्नामेंट्स रहे आगे बढ़ते हैं लो भाई अब आ गए अवार्ड्स क्या आ गए अवार्ड्स बहुत हेल्पफुल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनडी के एग्जाम में भी आता है यहां से अवार्ड से डोंट वरी अभी नहीं है तो आप आगे एस भी जरूर देंगे गर्वित यार डिटरमाइंड रहो ये सब नहीं सोचना कि इस बार नहीं दे पाऊंगा मैं इस बार से तो मतलब ही नहीं है मतलब तो एम से है कि वन डे यू विल सर्व योर कंट्री मतलब इससे है कि एक दिन यूनिफॉर्म होगी कब होगी हमें नहीं पता हमारे बस एक ही टारगेट है और वो टारगेट है कि भाई आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री मेरे को देश सेवा करनी है मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए बस मेरा यही टारगेट है और इस टारगेट को मैं अचीव कर लूंगा दैट्स ऑल दिस शुड बी देथ इन साइड यू ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए इस सब पे मत पढ़ो इस सब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे अभी करना है बर्डन क्रिएट नहीं करना किसी को भाई चलो आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स के लिए तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है खेल के अंदर वो है आपका राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड ये हमारे देश में आज के समय पर सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और यह अवार्ड नाइनटी वन से 1992 के समय पर शुरू हुआ था जिस समय पर राजीव गांधी की डेथ हुई थी जिस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो उन्हीं के सम, उसी समय पर ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार शुरू किया गया था और इस अवार्ड के अंदर अगर हम बात करें ये अवार्ड आपका स्पोर्ट पर्सन को मिलता है स्पोर्ट्स आपके आपके जो मैन है जो करीब करीब अपने अपने स्पोर्ट्स में कम से कम चार साल से बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं एटलीस्ट फोर इयर्स ऐसा नहीं कि एक साल आपने अच्छा परफॉर्म किया अपने स्पोर्ट्स में तो आपको मिल जाएगा एटलीस्ट आपने देखा ना ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स ठीक है तो आप ये देखें अ पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स ये देख रहे हैं ना आपको कम से कम चार साल अगर आप अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कम से कम पिछले चार साल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है आगे बढ़ते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो दो चीजें सीखी तो राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था 91 91 से लेके 90 मतलब 91, 92 के टाइम पर शुरू हुआ था और यह अवार्ड इस स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है जो अपने फील्ड में कम से कम चार साल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा हो और इसमें कितना अमाउंट मिलता है खिलाड़ी को जीतने के बाद पच्चीस लाख याद रखिएगा पच्चीस लाख मिलता है पहले ना इससे पहले शुरुआत में साढ़े सात लाख रुपए मिलते थे लेकिन आज के समय में बढ़ाकर इस अमाउंट को पच्चीस लाख कर दिया गया है जो भी इस अवार्ड को जीता उसे पच्चीस लाख रुपए मिलते हैं और यह अवार्ड ना मैक्सिमम एक साल में केवल पर्सन को दिया जा सकता है मैक्सिमम थ्री स्पोर्ट पर्सन मतलब तीन खिलाड़ियों से ज्यादा को एक साल के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिलता है एसएसबी इंटरव्यू है पवन चलो भाई आगे बढ़ते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में पढ़ लिया उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स के अंदर वो है अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड पुराना भी है ये 1961 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इसमें कितना अमाउंट दिया जाता है पंद्रह लाख इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है एक स्टैचू मिलता है सेरोमोनी आपका सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ कैश अवार्ड ऑफ फिफ्टीन लैख कितने रुपए मिलते हैं पंद्रह लाख रुपए मिलते हैं और यह अवॉर्ड भी कब दिया जाता है जो आप अपने चा, अपने स्पोर्ट में मतलब क्या? 15 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जाता मतलब मैक्सिमम पंद्रह खिलाड़ियों को यह अर्जुन अवार्ड एक साल में दिया जाता है और वहीं राजीव गांधी खेल रहा था अवार्ड कितने दिया जाते थे एक साल में मैक्सिमम तीन ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा अवार्ड है भाई द्रोणाचार्य अवार्ड तो देखेंगे आप सॉरी ध्यानचंद अवार्ड द्रोणाचार्य इसके आगे है ध्यानचंद अवार्ड एक क्वेश्चन आया था का ही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खेल पुरस्कार रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है इनमें से कौन सा पुरस्कार किसके बाद दिया जाता है खेल से रिटायरमेंट लेने के बाद दिया जाता है तो कौन सा दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर हम ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं हाँ भाई तो अगर मैं ध्यानचंद अवार्ड की बात करूं तो ध्यानचंद अवार्ड कब से दिया जा रहा है यह दिया जा रहा है सन दो से मतलब सबसे, पर, सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है सबसे पुराना पुरस्कार को नहीं मिल सकता, कम को मिल सकता है अगर हम की बात करें। अच्छा एक चीज और रह गई जो विश्वनाथ आनंद है जो विश्वनाथ आनंद है उन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था ओके चलो अभी हम बात करते हैं ध्यानचंद के लिए तो ध्यानचंद की अगर हम बात करें तो ध्यानचंद अवार्ड 2002 में दिया जा मतलब क्या 2002 से स्टार्ट हुआ था ये और ये ना उन स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने अपने खेल में कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं अभी विष्णु यार हिंदी में समझ लेना बस इतना कि ध्यानचंद पुरस्कार साल 2002 से दिया जा रहा है और ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो रिटायरमेंट के बाद मतलब रिटायरमेंट लेने के बाद अपने अपने फील्ड्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ठीक है इस अवार्ड के अंदर कितने लाख रुपए मिलते हैं इसमें दस लाख रुपए मिलते हैं शुरुआत में पांच लाख मिलते थे जब ये स्टार्ट हुआ था बट आज के समय में दस लाख मिलते हैं और ध्यानचंद पुरस्कार एक साल में तीन से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी तीन से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता अर्जुन अवार्ड पंद्रह से ज्यादा को नहीं दिया जाता और अगेन ध्यानचंद भी किस कितनों को तीन से ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता ओके okay? इतना इतना ही बस, इतना ही बस पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना कि ध्यानचंद अवार्ड रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है तीन से ज्यादा लोगों को नहीं मिलता और साल दो में शुरू हुआ था दैट्स ऑल आगे बढ़ते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड समझ में आ रहा होगा द्रोणाचार्य अवार्ड भैया द्रोणाचार्य गुरु थे ना तो ऑब्वियसली किसको मिलता है ये अवॉर्ड जो हमारे देश के एमिनेंट कोचेज हैं उन्हें मिलता है ये हु इसमें गलत आ गया इसकी जरूरत नहीं है बस इतना ये उन एमिनेंट कोचेस को मिलता है ठीक है एक सेकेंड तो प्रॉपर चल रही थी किधर थी वो स्लाइड्स किधर है ये जस्ट वेट बेटा ओके रितेश कुछ तो अचानक से क्या हो गया इसमें ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज हाँ उन्तीस अगस्त स्पोर्ट्स डे चलो भाई थोड़ा बहुत आपका टेक्निकल इश्यू हो गया डोंट वरी अभी आपका क्लासेस कंटिन्यू चल रही है तो लेट्स सी, द्रोणाचार्य अवार्ड तो द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था भाई उन्नीस में और ये किसको मिलता है यह मिलता भाई कोचिज को जो कोच होते हैं ना जो गुरु होते हैं खेल में उनको ही अवार्ड दिया जाता है अच्छा राहुल सर को मिलेगा बेटा स्पोर्ट्स में मिलता है है मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक तो जो स्पोर्ट्स में जो आपके गेम्स और स्पोर्ट्स में मिलता है ये और किसको मिलता है गुरु लोगों को सन उन्नीस से शुरू हुआ था और इस अवार्ड में भी आपको कितने रुपए मिलते हैं भाई इस अवार्ड में भी आपको दस लाख रुपए मतलब कितने दस लाख रुपए मिलते हैं और एक साल में ये ना पांच लोगों से ज्यादा ये अवॉर्ड नहीं मिलता कौन सा भाई द्रोणाचार्य अवॉर्ड अतुल कुमार शर्मा गुड इवनिंग तो अवार्ड बस इतना कि द्रोणाचार्य अवार्ड कोच लोगों को मिलता है सन उन्नीस में शुरू हुआ था इसमें दस लाख रुपए दिए जाते हैं और एक साल में ये पांच कोचेस को दिया जा सकता मैक्सिमम इससे ज्यादा को नहीं दिया जाएगा तो ये रहा भाई आपके अवार्ड चार ही अवार्ड है राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड अर्जुन अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड एंड आफ्टर दैट द्रोणाचार्य अवार्ड चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब आ गया ओलंपिक गेम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक गेम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे ओके नाउ इट्स ओके बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक गेम्स तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ना जो सबसे बड़ा अवॉर्ड माना जाता है ओके नो सी जो हमारा सबसे बड़ा अवॉर्ड माना जाता है ना हां बिल्कुल उदय बिल्कुल जानते हैं बेटा हम आपको तो सबसे बड़ा जो स्पोर्ट का जो सबसे बड़ा मतलब जो स्पोर्ट आपका किया जाता है जो हमारे मतलब हमारे देश में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है स्पोर्ट का पूरे हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में वो कौन सा है ओलंपिक गेम सभी लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं इट इज द इट इज द व्हाट द लार्जेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो है भाई हमारा ओलंपिक गेम्स तो ओलंपिक गेम्स हर चार साल बाद होते हैं ओलंपिक गेम्स हर चार साल बाद होते हैं इसे स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप उन्हें पढ़ लो। उन्हें पढ़ पढ़ लो लो तो ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं जो आज भी आप देखते हैं जो 2016 में हुआ था यह आपका ओलंपिक गेम्स सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था सन अठारह में मतलब सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है और यह टूर्नामेंट अठारह में शुरू हुआ था अठारह सो में शुरू हुआ था और उसके बाद हर चार साल बाद उसके हर चार साल बाद अब ये यूजली हमें ओलंपिक गेम्स देखने को मिलते हैं तो अब हम इसमें रिलेटेड कंसेप्ट और वर्ड को यूज करते हैं जो यूजली हम देखने को मिलता है तो सबसे पहला ओलंपिक सिंबल ओलंपिक जो सिंबल है अगर आप इस सिंबल को देखेंगे तो इस सिंबल में पांच रिंग है अगर आप ओलंपिक के सिंबल को देखेंगे तो उस सिंबल में आपको कितने रिंग्स मिलते हैं पांच रिंग्स मिलते हैं और वो पांचों की पांचों रिंग एक दूसरे को क्या कर रही हैं कनेक्ट कर रही हैं इस तरीके से इस तरीके का सिंबल होता है ओलंपिक का और इसमें पांच हैं ये रिंग क्या दर्शा रही हैं ये भाई आपका दर्शाते हैं कॉन्टिनें को दीज रिंग सिंबलाइज इज द कॉन्टिनेंट कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं यूरोप अफ्रीका उसके बाद भाई ये आपका थोड़ा सा क्या कर दिया है? इसमें हाँ, यूरोप और अफ्रीका ये ब्लैक रिंग दर्शा रही है अमेरिका रेड कलर एशिया येलो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ग्रीन और यूरोप की बात करें तो भाई आपका ब्लू ये रिंग्स हैं पांच रिंग्स हैं जो आपकी ब्लैक रिंग है वो कौन कौन सा कॉन्टिनेंट शो कर रही है यूरोप और अफ्रीका जो रेड है वो अमेरिका जो येलो है वो एशिया जो ग्रीन है वो ऑस्ट्रेलिया और जो ब्लू रिंग है वो किसको शो करती है भाई यूरोप को बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक सिंबल में अगर मैं बात करूं तो आपसे सीधे 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 पूछेगा, सिंबल सीधे -सीधे कि तो वहीं अगर हम बात करें ओलंपिक फ्लैग की तो ओलंपिक फ्लैग में भी वही पांच रिंग्स होती हैं और एफकेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एफकेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि ओलंपिक फ्लैग में कौन से कलर की रिंग नहीं मिलते तो याद रखिएगा ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड अगर आप ओलंपिक जो आपका फ्लैग है जो ध्वज है उस ध्वज को देखेंगे तो उस ध्वज में भी वही पांच रिंग्स मिलती हैं मतलब पांच तरह की मतलब इस तरह का एक फ्लैग है किस तरह का फ्लैग है अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम बना के दिखाते हैं तो अगर आप उस फ्लैग को देखेंगे ना ठीक है उस फ्लैग को अगर आप देखेंगे तो उस फ्लैग में यही रिंग्स मिलती हैं पहली आपका ब्लू कलर की रिंग है आफ्टर दैट वी हैव येलो आफ्टर दैट वी हैव ब्लैक आफ्टर दैट वी हैव ग्रीन एंड देन वी हैव रेड कुछ इस तरह का अगर आप ध्वज को देखेंगे तो जो आपका ओलंपिक ध्वज है वो इस तरह का होता है वो इस तरह का होता है उसमें आपको पांच रिंग मिलती हैं। ब्लू कलर की येलो कलर की ब्लैक कलर की ग्रीन कलर की रेड कलर की तो सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है कि जो ओलंपिक फ्लैग है ये सबसे पहले ये फ्लैग कब स्टार्ट हुआ था ओलंपिक में ये सन 1913 में इसको लहराया गया था सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग ये मैंने बताया है ना सबसे पहले ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए थे हो तो भैया सन अठारह में गए थे ओलंपिक गेम सबसे पहले अठारह में स्टार्ट हुए थे लेकिन जो हमारा राष्ट्र ध्वज बना वो राष्ट्र ध्वज बना ओलंपिक का सन 1913 में जिसे किसने बनाया था बैरॉन पियरे डे कोबर्टिन ठीक है डे कोबर्टिन ने भाई आपका राष्ट्र आपका जो मतलब क्या राष्ट्र ध्वज का उसने सजेस्ट किया था उसने बनाया नहीं था उसने सजेशन दिया कि हाँ भाई क्या होना चाहिए द ओलंपिक फ्लैग शुड बी देयर आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो इसमें पांच रिंग्स हैं और इन पांच रिंग्स को यही कलर यही कलर यहां पे इसलिए लिया गया है कि ये माना जाता है कि इन पांचों कलर में से कोई एक कलर हर किसी देश के राष्ट्र ध्वज में जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा मतलब सिंबल में Continent को ये दर्शाते हैं रिंग्स और यहां पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड को फॉर्म करते हैं ओलंपिक फ्लैग में ठीक है भाई आज मेरी क्लास के बाद कोई क्लास नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा ओलंपिक ध्वज था वही अगर हम बात करें ओलंपिक फ्लेम की ओलंपिक ओलंपिक फ्लेम जो मसाल जलाई जाती है आपने देखा होगा ओलंपिक गेम से पहले शुरुआत में मसाल जलाई जाती है जो जलती रहती है लास्ट तक जब तक ओलंपिक खेल खत्म नहीं हो जाते ठीक है तो ओलंपिक मसाल जो स्टार्ट हुई थी कब स्टार्ट हुई थी ओलंपिक गेम्स में सन से से ओके 1928 से स्टार्ट हुई थी ये तो बस याद रखना है ईयर और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें दैट्स ऑल दैट्स ऑल आगे बढ़ते हैं ओलंपिक मोटो भाई ये ओलंपिक खेल का मोटो है कौन सा साइटियस याद रखिएगा सीधे क्वेश्चन आता है साइटियस एल्टियस फोर्टियस साइटियस एल्टियस ये जो मोटो है किसका ओलंपिक खेलों का जिसका मतलब है फास्टर हायर और स्ट्रोंगर फास्टर हायर और स्ट्रोंगर जिसे रेव फादर डायडोन रेव फादर डायडोन ने इस मोटो का इस्तेमाल सबसे पहले किया था भाई सब कुछ है इसमें यार सब कुछ है थोड़ी क्लास ज्यादा लंबी जा रही है बट डोंट वरी अभी बस खत्म होने वाला है ओलंपिक के बाद हम कॉमनवेल्थ और आपका एशियन ये थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं ठीक है थेके? तो ये हमारा ओलंपिक खेलों का मोटो है देन चलो भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लो अब थोड़ा सा यहां से आते हैं क्वेश्चन यहां से आते हैं क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो सबसे पहले ओलंपिक गेम कब शुरू हुआ था सन अठारह में 1896 में हमारे मतलब हमारे देश में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड आपका ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो गए थे कहां हुआ था ग्रीस में हुआ था सबसे पहले ओलंपिक गेम कहां हुआ ग्रीस में सन अठारह में हुआ लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो पहली बार ओलंपिक खेल हुए थे ना अठारह में उसमें किसी फीमेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पहली बार महिलाओं तो महिला ने पार्टिसिपेट दूसरे ओलंपिक पार्टिसिपेट नहीं किया आफ्टर दैट उन्नीस में जो ओलंपिक खेल हुए उसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया।, किया था अगर हम बात करें पहले इंडियन प्लेयर पहले इंडियन प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था उनका नाम था नॉर्मैन प्रिचर्ड याद रखिएगा नॉर्मन प्रिचर्ड पहले ऐसे इंडियन व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उस समय पर आप जानते हैं कि हमारा इंडिया जो था अंग्रेजों के अधीन था पवन राधे राधे हमारा जो इंडिया था ना वो आपका क्या था अंग्रेजों के अधीन था तो ये जो नॉर्मन प्रिचर्ड थे ये एंग्लो इंडियन थे ठीक है ये एंग्लो इंडियन थे और इन्होंने भी दूसरे ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और इसके साथ साथ इन्होंने दो सिल्वर मेडल भी जीते ठीक है किससे रिलेटेड थे ये किस खेल से रिलेटेड थे भाई ये रिलेटेड थे एथलेटिक्स से तो सबसे पहला ओलंपिक गेम्स अठारह में स्टार्ट हुए लेकिन उसमें किसी फीमेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया 1900 में फीमेल ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और सन 1900 के ओलंपिक गेम्स में हमारे भारत के पहले खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचर्ड ने क्या किया था पार्टिसिपेट किया था लेकिन भाई वो एंग्लो इंडियंस थे एंग्लो इंडियन थे और वो किस खेल से संबंधित थे भाई वो संबंधित थे आपके एथलेटिक्स से उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा और पढ़ते हैं सी मैरी लीला मैरी लीला पहली महिला थी जिन्होंने आपका ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट किया था भारत की भारत की अगर हम बात करें ना भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट किया था उसका नाम क्या था मैरी लीला लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट वूमेन फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल भाई अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों में पहली ऐसी महिला जिसने मेडल जीता था पार्टिसिपेट से मतलब नहीं है पार्टिसिपेट तो इन्होंने कर लिया मैरी लीला भाई पहली ऐसी महिला थी भारतीय जिन्होंने ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट किया लेकिन मेडल तो नहीं ना मिला मेडल किसको मिला मेडल सबसे पहले मिला था करना मल्लेश्वरी को याद रखिएगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नम मल्लेश्वरी पहली महिला है जिन्हें आपका मेडल मिला था किसमें ओलंपिक में इंडियन की बात चल रही है वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल किस महिला के पास है ओलंपिक में लैरिना लेवनीना का सॉरी लेवी लेविया नेना नेना लैरिना लेविया नेना ये आपकी महिला का नाम है जिसके ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल है जिसके ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हैं और वही मैक्सिमम गोल्ड मेडल अगर हम किसी मेल प्लेयर की बात करें तो वो किसके पास हैं माइकल फैल्प के पास जो कहां के हैं अमेरिका के हैं और वो कौन है भाई स्विमर है आपको पता होगा इनके अकेले के नाम ट्वेंटी सिक्स मेडल्स हैं ओलंपिक में अगर हम बात करें तो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल माइकल फैल्प के पास हैं जो अमेरिका के स्विमर हैं इनके पास 26 मेडल हैं इतने मेडल इंडिया पे अकेले नहीं है सोच रहे हैं आप अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे आज तक 26 मेडल नहीं है टोटल जितने अकेले एक खिलाड़ी के पास है इसका नाम क्या है माइकल कहां का है भाई अमेरिका का सबसे ज्यादा मेडल इसी के पास है और महिलाओं में सबसे ज्यादा किसके पास है लेरेना के पास सबसे ज्यादा वहीं अगर हम बात करते हैं काशवा दादा साहेब काशवा दादा साहेब पहले कौन थे पहले पुरुष थे जिन्हें इंडिया की तरफ से ओलंपिक में मेडल जीता था कब जीता था उन्नीस के ओलंपिक खेलों में याद रखिएगा 1952 के ओलंपिक खेलों में सबसे पहले केडी जाधव ने आपका मेडल जीता था इंडिया की तरफ से ओके okay? चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे देख लीजिएगा आगे बढ़ता है थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसमें अगर हम देखें इसमें अगर हम देखें तो देखिएगा भाई पहला ओलंपिक खेल कहां हुआ था सॉरी ओके okay. सबसे पहला ओलंपिक खेल मैंने बताया था कब हुआ था अठारह में कहा हुआ था ग्रीस में याद रखिएगा यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था सन अठारह में ओके okay. कहा हुआ था ग्रीस में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था तेरह देशों ने और इंडिया में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें बताया था ना मैंने आपको कि इंडिया ने तो सबसे पहले 1900 एंग्लो पार्टिसिपेट किया था अभी बताया okay, वहीं अगर हम थर्टी फर्स्ट ओलंपिक गेम की बात करें ये बेटा लास्ट वाले हैं लास्ट इन सेंस जो अभी लास्ट ओलंपिक गेम हुए हैं वो आपके इकतीसवे ओलंपिक खेल था थर्टी फर्स्ट वहीं अगर हम बात करें सिक्स ओलंपिक खेल सिक्स ओलंपिक गेम्स बारहवें और तेरहवे जब से ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए हैं कब से सन अठारह से स्टार्ट हुए हैं इस बात को ध्यान रखिएगा नोट में लिख दीजिएगा सन ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए हैं और हर चार साल बाद होते हैं। हर चार साल बाद होते होते हैं हैं हर साल लेकिन छठे ओलंपिक गेम जो 1916 में होने बारह वो ओलंपिक गेम जो 1940 में होना था और तेरह वो ओलंपिक खेल जो 1944 में होना था ये तीन बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक खेलों को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया क्यों कर दिया गया ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से और 12वें 13वें ओलंपिक खेल किसकी वजह से ये भी वर्ल्ड वॉर की वजह से जो पहला विश्व युद्ध चढ़ा था उसकी वजह से ओलंपिक खेल नहीं हो पाए थे 1916 के और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें 1940 और 1944 के ओलंपिक खेल नहीं हुए थे तीन बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक खेल नहीं हो पाए ठीक है तो ये 31वें नंबर के ओलंपिक खेल हैं जो लास्ट टाइम कहां हुए थे मतलब रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे किस ईयर में हुए 2016 में हुए कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया 207 ने और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी सड़सठवी रैंक थी केवल दो ही मेडल मिले थे 2016 में इंडिया को दो ही मेडल मिले थे जो किसने जीते थे पी वी संधु ने और एक आपकी रैशनल सॉरी रैस्ट, कौन थी रेसलर थी साक्षी मलिक केवल दो ने मेडल जीते थे केवल महिलाओं को ही मेडल मिला था 2016 में कोई पुरुष मेडल नहीं जीत पाया और इवन अगर मैं बात करूं ना ओलंपिक की तो ओलंपिक में केवल अभिनव बिंद्रा आज तक केवल अभिनव बिंद्रा ऐसे हैं बोड है भाई केवल अभिनव बिंद्रा ऐसे इंडिया की तरफ से जिन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है आज तक हमारे पास इंडिविजुअल ओलंपिक में एक ही गोल्ड मेडल है हॉकी में हॉकी की टीम ने कई बार गोल्ड मेडल जीते हुए हैं लेकिन इंडिविजुअल एज अ पर्सन की बात करूं ना तो इंडिविजुअल केवल एक खिलाड़ी ने हमारे देश में गोल्ड मेडल जीता हुआ है और वो किसने जीता हुआ है अभिनव बिंद्रा ने और वो कब जीता था 2008 के ओलंपिक खेलों में ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं तो ये आपका लास्ट ओलंपिक खेल है वहीं अगर हम बात करें ओलंपिक ओलंपिक खेल खेल जो हैं ये आपके कहा थे जापान में टोक्यो में में लेकिन में 2020 2020 लेकिन कोविड के आने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया और ये कब तक के लिए पोस्टपोन किया 2021 के लिए ये इस साल होने वाले हैं बट होप्स कि हो सकता है कि इस बार भी ये पोस्टपोन हो जाए इस बार भी पोस्टपोन हो जाए डिले देखो 1916 के 1940 के 1944 के ये जो तीन ओलंपिक खेल हैं भाई ये तो पूरी तरीके से खत्म ही कर दिए थे कि ये तो होंगे ही नहीं लेकिन तो जो जो आपका 2020 के ओलंपिक खेल है ना एक साल के लिए पोस्टपोन किया कि ना 2021 में करेंगे लेकिन भैया 2021 में तो कोरोना और ज्यादा डिजास्टर फॉर्म में आ गया है तो लेट्स सी हो सकता है कि इस बार भी पोस्टपोन हो जाए ठीक है आगे अगर हम बात करें बत्तीसवें ओलंपिक खेल कहां होने वाले हैं ये फ्रांस में होंगे फ्रांस में होंगे और कितनी कंट्री पार्टिसिपेट कर मतलब कंट्री का तो इसमें है नहीं मेन चीज है कब होंगे 2024 2020 के बाद कब 2024 और चौबीसवे ओलंपिक खेल कहां होंगे भाई लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे और किस ईयर में होंगे 2028 ये फ्यूचर में होने वाले ओलंपिक खेल है यहां से भी पूछ लेता है हाँ बेटा राजा ठाकुर जिमनास्टिक में दीपा मलिक की फोर्थ रैंक थी बेटा मेडल नहीं था मेडल नहीं था मेडल केवल दो ही थे ओके okay? तो ये भाई आपके आने वाले ओलंपिक खेल है तो ये इतना ही पढ़ना ओलंपिक से रिलेटेड इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना कि पहली बार ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे ओलंपिक फ्लैग कैसा होता ओलंपिक सिंबल कैसा ओलंपिक मोटो क्या है ओके okay? लास्ट टाइम ओलंपिक खेल कब हुए थे कहां हुए थे आने वाले ओलंपिक खेल कब होंगे कहां होंगे और नेक्स्ट वाले कब है बस इतना अभिनव हाँ, बिंद्रा शूटिंग से संबंधित थे दस मीटर की एयर राइफल से शूटिंग से संबंधित थे अभिनव बिंद्रा चलो भाई उसके बाद हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम दूसरे नंबर का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट है जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है स्पोर्ट्स का दूसरे नंबर का वो कौन सा है भाई ओके okay. देखो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा है सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड भाई ओलंपिक था ओलंपिक गेम में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया वहीं अगर हम कॉमनवेल्थ की बात कराए जयंत सर कॉमनवेल्थ की बात हैं, तो कॉमनवेल्थ दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ठीक है यह भी भाई आपके प्रत्येक चार वर्ष बाद होता है इसे ओके okay, ये भी हेल्ड आफ्टर एवरी फोर इयर्स कॉमनवेल्थ गेम्स भी ओलंपिक की तरह ये भी हर चार साल बाद होते हैं फर्स्ट ओलंपिक गेम्स 1930 में हुए थे और कहा हुए थे हैमिल्टन कनाडा में ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ है हाँ बस खत्म होने वाली है बस हो लिया जो, जो, कुछ भी था सब कुछ हमने पढ़ लिया खेल से रिलेटेड तो देखेंगे पहली बार ओलंपिक खेल कब हुए थे सन उन्नीस सॉरी कॉमनवेल्थ सन उन्नीस में कहा हुए थे हैमिल्टन कैनेडा में वहीं अगर हम बात करें इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था दूसरे ओलंपिक खेलों में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं, पार्ट नहीं किया था किसने कौन से किया था सेकंड वाले में 1934 में ओके okay, बस इतना ही है उसके बाद 2018 के जो ओलंपिक खेल हैं वो कहां हुए थे सॉरी कॉमनवेल्थ कहा हुए थे गोल्ड कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इकहत्तर और इंडिया की रैंक कौन सी थी तीसरी जो लास्ट ओलंपिक खेल हुए हैं जो लास्ट वाले ओलंपिक खेल हुए हैं वो आपके कब हुए हैं 2018 में कहा हुए थे ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव कैसे निकल रही है सर ये लिटिल बट टेक्निकल इशूज हा चलो भाई तो पहली बार कॉमनवेल्थ गेम उन्नीस सौ तीस में हुए हैमल्टन कैनेडा में उसके बाद इंडिया ने कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया दूसरे में सन उन्नीस में उसके बाद 2018 में लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं कहां पे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इकहत्तर ने इंडिया की रैंक कौन सी थी थर्ड और वही 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहां होंगे बर्मिंगम इंग्लैंड में मतलब आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होंगे भाई इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना मोस्टली जो पढ़ना था वो ओलंपिक में पढ़ना था हमने वो पढ़ लिया है आगे बढ़ते हैं लास्ट है लास्ट है भाई एशियन गेम्स लास्ट क्या है आपका एशियन गेम्स तो एशियन गेम्स भी भाई बिल्कुल आपका कितने साल बाद होते हैं दीज आर ऑल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी दीज आर ऑल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी फोर ईयर्स तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है ये तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है सबसे बड़ा टूर्नामेंट ओलंपिक दूसरे नंबर का कॉमनवेल्थ और तीसरे नंबर का एशियन गेम्स तो एशियन गेम्स में यूजुअली एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और यह भी आपका प्रत्येक चार साल बाद होता है सबसे पहला आपका एशियन गेम्स कब हुए थे सन उन्नीस में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नई दिल्ली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियन गेम्स की शुरुआत सबसे पहले कहां हुए थी भाई कहां हुई थी इंडिया में शुरू हुआ था ये अपने लिए प्राउड फील प्राउड वाली बात है कि आज तक हमारे देश में कभी कॉमनवेल्थ ने ओलंपिक खेल नहीं हुए कॉमनवेल्थ हुए थे लेकिन इतना ज्यादा करप्शन हुआ कि इन फ्यूचर चांसेस है नहीं इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे एशियन गेम्स दो बार हो चुके हैं सबसे पहले एशियन गेम्स कब हुए थे नाइनटीन में नई दिल्ली में हुए थे और उस समय पर जो एशियन गेम्स का मोटो था वो था एवर फॉरवर्ड जिसे किसने दिया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट एशियन गेम्स अठारहवे एशियन गेम्स कब हुए 2018 में कहा हुए थे इंडोनेशिया में कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था 40 ने वहीं आने वाले 19वें नंबर के जो एशियन गेम्स हैं वो कब होंगे 2022 में कहा होंगे भाई चाइना में ओके okay, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे रिलेटेड टू ओलंपिक एशियन एंड कॉमनवेल्थ होप सो so, आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया अगर अब कुछ रह गया ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपने पढ़ना है तो बस एक चीज पढ़नी है वो है एक तो करंट अफेयर्स। बस और इसके साथ साथ जैसे आईसीसी हो गया फीफा हो गया यहां से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं बाकी का ऐसा है हमने हर चीज को कवर कर लिया इससे ज्यादा आपका डिफेंस में क्वेश्चन बनता ही नहीं है चाहे आपका एयरफोर्स फाइ ग्रुप का एग्जाम हो नेवी हो एनडीए एग्जाम हो अगर इन सब में अगर आप करेंट अफेयर्स और एड कर लेंगे इससे ज्यादा रिजिड और इससे ज्यादा अगर वाइड अगर हम बात करें तो आता नहीं है हमने पूरे पूरे तरीके से थ्री डायमेंशनली ये समझ लो पूरा गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर लिया एक ही वीडियो में सब कुछ हो गया थोड़ी वीडियो लंबी जरूर रही एक घंटे दस मिनट की लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने हर चीज को कवर किया ठीक है आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा अगर नहीं आया कोई भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई तो आप हमारे हमारे वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं इस सब की पीडीएफ पीडिया, आपके पीडीएफ के लिए और इसी क्लास के लिए हर क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें कटारा डिफेंस अकेडमी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है हाँ हिंदी में भी मिलेगा डोंट वरी आपको विष्णु अगली वीडियोज में ओके और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लेकर आएंगे जो भी बच्चा हमारे से नया जुड़ा हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई वीडियो को लाइक भी करें तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है जय हिंद जय भारत